थे अमेरिका से, वो कहने लगे उनके डॉक्टर ने उनको स्पाइनल सर्जरी के लिए कहा है और वो जाते ही हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले। मैंने कहा क्यों, तुम स्पाइन की सर्जरी क्यों करवाना चाह रहे हो? उन्होंने कहा मुझको बहुत दर्द रहती है। मैंने कहा भाई दर्द रहती है तो अगर मेरी जुबान पर भरोसा है तो हम तुमको कुछ विद्या सिखाते हैं, कुछ आसन सिखाते हैं, इसको तू कर, और अगर 3 महीने तक भी तू ठीक नहीं हुआ, जहाँ इतने देर दर्द बर्दाश्त करी 3 महीने तू थोड़ा और बर्दाश्त करके, पर जो आसन हम सिखाए इसको करो, और अगर ज़रूरत पड़ी तो करा लेना, ना ज़रूरत पड़ी तो रहने देना। इसने अपने विज़िट को थोड़ा और बढ़ा लिया, आया तो वो 1-2 दिन को था, पर 1 हफ्ते रुक गया और सीखा उसने, करता रहा। फिर वो 6 महीने बाद मेरे को अमेरिका में मिला। मैंने कहा फिर कैसे हो? कहते जी बिल्कुल बढ़िया हूँ, ना दर्द है कोई, ना सर्जरी करानी पड़ी, और डॉक्टर ये पूछता था कि तूने किया क्या है, तेरी स्पाइन में जो तकलीफ थी वो चली कैसे गई। कह रहे जी मैंने उसको कहा कि हम भारत गए थे और वहाँ से कुछ चीज़ सीखी थी, हमें गुरु माँ ने सिखाई थी, हमने करी और हो गया। आज 1.5 साल हो गया है उसको, आज भी कोई दर्द नहीं है। कहाँ, वो 65 साल की उम्र में सर्जरी में जा रहा था। बड़ी उम्र में सर्जरी के रिस्क और भी बढ़ जाते हैं और स्पाइनल सर्जरी और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, उसके बहुत सारे खतरनाक कई दफ़े नतीजे हो सकते हैं। तो योगा अभ्यास और प्राणायाम करे, 1 घंटा योगा किया, आसन किए, 1 घंटे अगर कर ले प्राणायाम, 1 घंटा करे तो क्या ही बात, ना भी करे तो चलो आधा घंटा सही, आधा घंटा प्राणायाम करे और फिर वहीं पालथी मार के बैठ जाए और मंत्र के साथ अभ्यास करे। इतने में नाश्ते का समय हुआ, नाश्ता खाया, काम को गए, काम करके वापस लौटे, थोड़ा आराम किया, स्नान किया, फिर से जप के लिए बैठ जाते हैं। पूरा परिवार इसी स्केड्यूल को फॉलो करता है। फिर रात दोनों पति पत्नी, ये नहीं कि घरवाली खाली काम कर रही है, वो भी उसके साथ पूरी मदद कराता है। दोनों फटाफट खाना पकाया भी, दोनों ने खाया भी, बच्चों को भी खिलाया और फिर सब सोने को चले गए। कहते कुछ देर हम लोग फिर आपस में या तो विचार करते हैं या तो कुछ सीडी सुन लेते हैं और फिर सुनने के बाद प्रार्थना अरदास करी और फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर यही शुरू हो जाता। ऋषियों से लेकर के गुरु नानक तलक, गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह महाराज तलक, ये एक आदेश सब ने दिया है और वो ये कि आप जो कुछ कमाएं उसका 10वां दान करें, आप अपने समय का 10वां ईश्वर बंदगी के लिए लगाएं। ये मैंडेटरी है, इट इज़ अ मस्ट, इट इज़ नॉट अ चॉइस। चुनाव नहीं है कि मर्जी आए करो, मर्जी आए ना करो। अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं तो धर्म का पालन करने का अर्थ यह होता है कि जो कहा जाए उसको पूरा भी करें। माने अगर आप 1000 कमाते हैं तो 100 रुपया आपको दान देना ही चाहिए, और आपके 24 घंटे में से अगर हम 10वां माने तो 2 घंटे 40 मिनट बनते हैं। अब आप अगर 2 घंटे 40 मिनट रोज देते हैं जो आसानी से दिए जा सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा अपना टाइम टेबल सही कीजिए, थोड़ा सा। जो ये कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़ के जा करके हरिद्वार बैठो तो साधना होती है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, पक्का पक्का झूठ बोल रहे हैं, वो झूठी बात कह रहे हैं। इसी संसार के कार्य व्यवहार करते हुए में ईश्वर का भजन करना होगा। अगर आप अभी नहीं कर रहे, जहाँ आप हैं वहीं रहते हुए अगर आप नहीं कर रहे तो ये बात पक्की है, ना तो बुढ़े होके कुछ करोगे, ना हरिद्वार जाके कुछ करोगे, तुम कुछ भी नहीं फिर करने वाले। मिनट एक भी नहीं लगता है, पर करके देखिएगा इसको। आया भोजन, आया रोटी, आपने खानी ही है। एक ये है, आई रोटी फटाफट स्वाद वाली आपकी मर्जी की चीज़ बनी है और देखते ही मुँह से लार टपक गई, और इसके पहले कि लार बाहर थाली पे गिरती आपने जल्दी जल्दी मुँह में ठूस लिया खाना और स्वाद से खा रहे और खाते चले जा रहे हैं।
और एक ये भी तरीका हो सकता है कि आपका मनपसंद भोजन जो आप खाना चाह रहे थे वही चीज़ आपको आज मिल रही है, आपके सामने थाली पड़ी है लेकिन आपके मुंह से लार नहीं टपक रही है बल्कि आपके दोनों हाथ जुड़ते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, प्रभु आपकी कृपा से ये भोजन नसीब हो रहा है, ये भोजन आपको भोग लगे। कहाँ रहता है परमात्मा? गुरुद्वारे में, मंदिर में? वहां का तो कुछ पक्का नहीं मैं कह सकती हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल पक्का पक्का है। तो अपने अंदर बैठे उस परमेश्वर को इस प्रसाद को अर्पित कीजिए और फिर खाइए उसको। मैं एक बात बताती हूँ, बचपन में एक बार मैं अपनी माँ के साथ गुरुद्वारे में गई, मैं शायद क्लास में पास हो गई थी, तो माँ ने कहा कि अच्छा गुरुद्वारे में प्रसाद कराते हैं, तो वो ले गई गुरुद्वारे। अब बच्चा है, कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही है, बढ़िया बढ़िया, यही सर्दी का मौसम है, गरम गरम प्रसाद दिख रहा है, और लगे दो, कहते ऐसे थोड़े होते, पहले अंदर चढ़ाएंगे, पहले अंदर चढ़ाएंगे फिर प्रसाद मिलेगा। अब अंदर जाने में, देने में, और जब वो भाई ने इसे जब चलाया ना, तो लगा है तो सारा तो यही ले गया, बीच में तो बचा ही कुछ नहीं, बाल बुद्धि है ना, तो लग रहा है कि तो कितना सारा तो यही ले गया है, तो बचा क्या पीछे से। जैसे ही वो वापस दोना माँ के पास आया, तो मैंने कहा लाओ दे दो, ये तो अब सारा मेरा। वो कहते ऐसे थोड़ी होता, घर के लिए भी तो लेके जाना है, तो जरा सा निकाल के ऐसे दे दिया, ये कोई बात हुई? अब बच्चा इस तरह करे तो उसको माफी है, अभी उसे समझ नहीं, बच्चा करे ऐसी बात तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब ये कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा इसी तरह करे, थाली आई, गप करके खा लिया, ना धन्यवाद दिया, ना प्रभु को भोग लगाया, तो अब ये बात तो बड़ी अज्ञानतापूर्ण हो गई। जय प्रसाद छति अमृत काहे, तिष्ठा कर को रख मन माहे, जय प्रसाद बसे सुख मंदे, तिसे त्याए सदा मन अंदर। मकान है, सुंदर है, रह उसमें कौन मना करता है, पर उसमें बसते हुए, उस छत को देखते हुए तेरे मुख से शुक्र है निकलना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जाने कितने लोग हैं जिनको इतनी छपरी भी नसीब नहीं होती, तुझे तो मैल मिल गया। अच्छा, एक आदमी कहता है जी ये हमारा मैल थोड़े ना है, हमारा तो सिर्फ 100 गज का मकान है। तुम गजों में नापते रहते हो, कितने स्क्वायर यार्ड में तुम्हारा घर है, घर गजों में नहीं होता है, घर आपकी सोच से होता है। सुबह भूमि गोपाल की, गोपाल हमारो नाथ, ये सारी धरती उस गोपाल की है, और गोपाल मेरा पिता है, गोपाल मेरा नाथ है, तो सारी दुनिया ही मेरी हो गई, ये सारी पृथ्वी मेरी हो गई। जो पिता का है क्या वो पुत्र का नहीं होता? कानूनन तो होता ही है। जो पिता का है वो अगर पुत्र का है तो ये सारे ब्रह्मांड का मालिक कौन है? मेरा ही पिता परमात्मा। तो ये सारा संसार किसका हुआ? मेरा ही तो हुआ। पर आपकी आंख बस बाहर देखती है कि यहां से लेके यहां तक मेरा, इसके बाद मक्खन सिंह का, उसके बाद लुबायर राम का, मेरा इतना ही है। इस मेरी मैं की चार दीवारी को गिरा के देख, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। और एक बात याद रखिए, जिस मन में सुमिरन नहीं, जिस मन में प्रेमा भक्ति नहीं, जिस मन में ईश्वर का विश्वास नहीं, ऐसा शरीर किसी बड़े महल में रहता हो तो वो महल भी भूत खाना है। और आपके पास सिर्फ 12x15 का एक कमरा है और जिसमें आप पूरा परिवार रहते हो, लेकिन अगर आपके मन में प्यार है, विश्वास है,
दया है, ज्ञान है, तो वो कमरा भी आपका महल हो जाता है। कहानी सुनो, एक फकीर अपने चेले के साथ एक झोंपड़े में रहता था। रात बड़ी अंधेरी चली, खपरैल की बनी हुई छत है, हवा से बड़ी जोर जोर से फड़फड़ाए, बड़ी आवाज आए। चेला कहता है, गुरुजी क्या होगा, आज तो हालत खराब सी लग रही है। गुरु ने कहा चेले को, भाई तू सबर रख, जो होगा अच्छा होगा, देख कितनी बढ़िया ताल बज रही है, ताल सुन, ये हवा ताल बजा रही है। आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सुनते हो, अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सुनते हो तो किसी भी रिदम या परकर्शनिस्ट को अगर आप लाइव सुने हैं तो आप जानते हैं कि कितना वो मज़ा बना देते हैं। सुरताल से अगर जिसको प्यार है वो इस बात को जल्दी समझेगा। उन्हें को सुन के देख जरा, ये हवा तो आज संगीत सुना रही है, थोड़ा रॉक म्यूजिक हो गया है, मैंने क्योंकि लाउड है ना, बहुत जोर से बज रहा है। अच्छा है, जो हो रहा है फिक्र नहीं कर, तो आंख बंद कर, तो सुमिरन कर। चेले से कहां हो सुमिरन, अब हवा चली जोर से तो छत ही उड़ गई। जब छत उड़ी तो चेला कहता, लो कर लो बात, अब जो थोड़ी बहुत छत थी वो भी गई। गुरु कहता, फिक्र क्यों करता है, कोई नहीं, आज ऐसे ही सही। थोड़ी देर में आंधी रुक गई, बादल छट गए और बादलों के पिछवाड़े से पूर्णमासी का चांद दिखने लग गया। ऐसी सुंदर उसकी रश्मि में झोंपड़े में आ रही थी। गुरु ने कहा, वाह वाह, प्रभु की लीला देखी, अगर हमारी छत बनी रहती तो ये नज़ारा देखने को मिलता क्या। प्रभु की कितनी दया है, हम अंदर बैठे रहते हमें पता ही ना चलता, उसने हमारी छत ही उड़ा दी ताकि अंदर बैठे बैठे कुदरत के इस करिश्मे से हम कहीं वंचित ना रह जाए, हम कहीं वांझे ना रह जाए, हमें अंदर बैठे इतना सुंदर नज़ारा दिखा रहा है। कह रहे चले अब कर सुमिरन। चेला कहता, गुरु जी अंधेरी चल रही थी तब भी बोल रहे थे कर सिमरन, छत उड़ गई बोले कर सिमरन, अब कह रहे हो चांद दिख रहा है कर सुमिरन, मेरा मन तो टिकता कोई नहीं है। तो यही तो चैलेंज है, यही तो हमारे सामने चुनौती है। जो ये सोचता है ना सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तब बैठ के भजन करेंगे, ये कभी नहीं होने वाला। जीवन नाम इसी उठापटक का है। आज मैं एक आप लोगों की गलत फहमी दूर करना चाहती हूं, हो सकता है आपको बड़ा बुरा भी लगे क्योंकि आपकी आस्था को कुछ तकलीफ भी हो सकती है, पर हमारा फर्ज है सच बोलना, सो सच बोलने से हमें कौन रोकेगा, परमात्मा ही रोक सकता और तो कोई नहीं रोक सकता। जो ये आप सोचते हो कि सुमिरन करने वाले को दुख नहीं होगा, जो ये आप सोचते हो कि गुरुद्वारा मत्था टेकाने से, मंदिर मत्था टेकाने से सब दुख दूर हो जाते हैं, तो आज जरा ध्यान से कान खोल के, दिमाग के किवाड़ खोल के इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दुख अपनी जगह पे बने रहेंगे, दुख खत्म नहीं होंगे। दुख कभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि जिस दिन दुख पूरे खत्म हो गए उस दिन सुख भी पूरा ही खत्म हो जाएगा। अगर दुख रात है तो सुख दिन है, जैसे दिन और रात आपस में जुड़े हुए हैं इसी तरह सुख और दुख आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप ये कहते हो परमात्मा मुझे सुख दे, तो आपने ना चाहते हुए भी साथ में दुख भी मांग लिया। मालूम कैसे, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड चेन। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ लिखा होता है एक और दूसरी तरफ गांधी का या किसी का भी एक इमेज बनी रहती, एक पिक्चर लगी रहती। पुट्ठा सीधा ऊपर नीचे सिक्के का होता है, जैसे जहां भी आपका मुंह जाएगा आपकी पीठ भी वहीं जाएगी।
ऐसा क्या हो सकता है कि आप अपना मुंह तो ले जाओ पर पीठ घर में छोड़ जाओ? ये तो नहीं हो सकता। जहां मुंह जाएगा वहां पीठ जाएगी। ऐसे ही सिक्का, जब भी आप, कई दफे वो शर्त लगाते हैं ना, क्रिकेट का मैच होता है, टॉस होता है, कौन जीतेगा टॉस, जिसको हेड मिलेगा। देखा जाए जिसको हेड मिला है तो चेन उसके नीचे ही तो था, आप काट तो नहीं सकते हैं, उसको अलग तो नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से दुख और सुख आपस में जुड़े हुए हैं। जब जब आपके पास दुख आए, जानना सुख पीछे पीछे ही है, दुख की पीठ सुख है। जब जब आपके पास सुख आए, ध्यान से देखना, सुख की पीठ में ही दुख है। मैं उदाहरण देके समझाती हूं। आपके पास मोबाइल फोन नहीं था, आपने पैसे जोड़े या पिता से लिए और आपने एक मोबाइल फोन खरीदा। अब मोबाइल फोन का क्या आ गया? सुख। सबको दिखाता है, मेरे पास फोन है, मेरे पास फोन है। अब इसके साथ क्या आएगा? दुख। कौन सा बिल आएगा? क्योंकि फोन करते समय तुम घड़ी तो देखोगे नहीं ना, कितनी देर बात कर ली। और फोन आता है तो फिर ऐसे ऐसे लोगों से भी बात करने का जी करता है, ताकि बताऊं तो सही ना, नया मोबाइल फोन मेरे पास भी है। और फिर आपके पास फोन देख के आपका कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई यार के, जरा देना फोन जरा, और उसने फोन लिया। आप सोचते हो यहीं पटियाला में बात कर रहा, वो बात कर रहा है बॉम्बे में। 10 मिनट बाद फोन वापस दे दिया, फिर यहाँ रखा था तो फिर कोई और ले गया फोन। मेरा फोन किथे है, मेरा फोन किथे, वही ढूंढता रहता, मेरा फोन किधर। अगर इससे अच्छी तो लैंडलाइन थी, एक जगह फोन पड़ा तो रहता था, ये मोबाइल फोन मोबाइल हो गया, कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया। कभी ओवरचार्ज्ड बिल आ जाते हैं तो झगड़ा, तो मुसीबत, बिल भरने में देर हो गई तो फाइन लग गया, तो मुसीबत। तो सुख आया फोन का, पर क्या साथ में दुख नहीं आया? एक बहुत पुराना एक पंजाबी गीत है, उस गीत में वो गाता है शावा काका जम पिया, बहुत खुशी मना रहा है, शावा काका जम पिया। फिर उसके बाद वो रोता है, दाई को इतने पैसे देने पड़े, पड़ोसियों को लड्डू खिलाने पड़े, माँ को ये देनी पड़ी, बीवी को भी एक सौगात देनी पड़ी, अस्पताल का भी बिल भरना पड़ा। कितने में पड़ा? करे 500 रुपये दा काका पिया, शावा काका जम पिया। शायद आशा सिंह मस्ताना ने गाया था ये गीत। बड़ी खुशी है, पुत्र आया, बड़ी खुशी है। कहानी सुनते हो तो एक और कहती हूँ। एक माई एक महाराज के गई और महाराज को कहती, महाराज आशीर्वाद दो, पुत्र नहीं है, आशीर्वाद दो, बेटा हो जाए। महात्मा ने कहा, क्यों, पहले औलाद कोई नहीं है? कहते, नहीं जी है, दो कुड़ियां हैं, पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए। महात्मा होंगे मेरे जैसे फक्कड़। वो आगे से कहते, देख आज नहीं है तू बड़ी सुखी, होएगा ना तो तू बहुत दुखी हो जाएगी। कह रहे, वो क्यों, पुत्र होने से मैं क्यों दुखी होऊंगी? कह रहे, पुत्र होएगा तो तू उसके मुंह में अंधी हो जाएगी, तो अपने दूसरे दोनों लड़कियों का ख्याल नहीं रखेगी, फिर वो रोएंगी, और जब लड़की कोई रो करके आह भरती है तो उसकी आह परमात्मा जल्दी सुनता है, और उन्होंने आह भर दी तो तेरा बच्चा जो है वो सुखी ना रहेगा, वो बीमार रहेगा। कभी कहेगी इसको पोटियाँ लग गई हैं, कभी कहेगी दांत निकल रहे हैं, अभी इसके लिए अभी पेट दुख रहा है, अब इसका स्कूल जाना है, अब स्कूल में पढ़ता नहीं, लाड दे दे के बिगाड़ लेगी उसको, स्कूल में पढ़ेगा नहीं तो भी रोएगी, फिर जैसे तैसे पढ़ लिख गया फिर कहेगी अब काम नहीं करता क्योंकि तू लाड दे दे के उसको बिगाड़ेगी। माएँ बिगाड़ती हैं ना पैसे, बेटी को ना दे बेटे को जरूर देती है, बाप भी बेटे को सर पे चढ़ा के रखता है, और फिर जब वो जवान होता है तो सर पे तांडव डांस फिर वही तो करता है, अब मोटरसाइकिल लेके दो, अब ये लेके दो, अब वो लेके दो, फिर कहीं कोई लड़की छेड़ आएगा, कोई थप्पड़ मार देगा, कोई थाना पर्चा हो जाएगा, फिर तू रोएगी, फिर तू उसका ब्याह करेगी, लड़की ढूंढेगी, लाएगी बड़े शौक से, थोड़े दिन में लड़का हाथ से निकल जाएगा, बहू को लेकर के तेरा बेटा घर से बाहर हो जाएगा, फिर और जायदाद रोएगी, इससे अच्छा है नहीं है ना, पुत्र खुश रहे। माई कहती, ये कोई बात हुई, ये कोई बात बनी? कितने देख, तेरे दो दो बेटियां हैं, कितनी सुख वाली बात है, क्योंकि बेटियां हमेशा
कोमल दिल की होती हैं, माँ बाप का दुख सुख महसूस करती है, माँ से प्यार करती हैं, बाप से प्यार करती हैं, और ब्याही जाती है तो भी ससुराल में बैठी भी अपने माँ बाप का दुख सुख का ख्याल करती है।